وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
खुतबाए जुमातुल मुबारक में दीनी इल्म की शान और मकाम का तज़किरा किया गया और अहले इल्म के मर्तबे जो कुरान व सुन्नत में बयान हुए हैं उनका तफसीर के साथ जिक्र किया गया। मकसद ये था कि दीनी मदारस में तालीमी साल का आगाज है, अपने होनहार बेटे भाई बेटियां उनको दीनी मदारस में दाखिल कराएं, अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों, उससे कबल रमजानुल मुबारक में आखिर से पहला खुतबाए जुमातुल मुबारक नमाज के फायदों का तज़किरा किया गया। आज इंशाअल्लाह जिस मकाम आलीशान से आप भाइयों के सामने एक नहायत अहम गुफ्तगू पर और एक नहायत ही अहम अकीदे की बात पर चंद बातें अर्ज करेंगे, सबसे पहले उस मकाम की पहचान फरमा लो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 177, ये आयत करीमा काफी लंबी आयत है। सूरतुल बकरा में एक आयतुल कुर्सी है, एक आयतुल दैन है और ये आयत करीमा आयतुल बिर है, नेकी के मुतल्लक इंसान का जो ज़हन और तसव्वुर है वो एक अलग बात है और अल्लाह की किताब ने जो नेकी का जामे पैकेज पेश किया है, एक वो पैकेज है जो आप अपने मोबाइल पे लगा लेते हो, आप जितनी मर्जी कॉल करते जाएं, हाँ हाँ हमारे मोबाइल पे पैकेज है। अल्लाह वालों, मैं आपका तालिब इल्म भाई इंतहाई कमजोर नाकिस और नातवा हूं, मेरी मिसाल उस दीवार की है जिसके अंदर ईंटों को लगा दिया गया है, जब उस दीवार को सीमेंट और प्लास्टर किया जाता है तो मजबूत हो जाती है। मैं कमजोर, लेकिन आप जब तवज्जो करते हो और मोहब्बत से अपने चेहरे मेरी तरफ कर लेते हो तो मेरी कमजोरी खत्म हो जाती है। अल्लाह के हुक्म से और उसकी तौफीक से अल्लाह पाक अपनी बरकतों से वादा माल फरमा देता है। आपकी तवज्जो हमारे लिए मजबूती और कुव्वत का सबब है। अल्लाह वालों, आओ जरा, मुहर्रम और हराम का महीना आमद आमद है। चंद इंसानों ने यह सोचा कि मुहर्रम के महीने में काले रंग का लिबास पहन लो और हजरत इमाम साहब का मातम कर लो, बस यही नेकी काफी है। अल्लाह वालों, ये नेकी का तसव्वुर अल्लाह की किताब कुरान मजीद के तसव्वुर के खिलाफ है। हाँ हाँ, फिर रबीउल अव्वल का महीना है, सबद रंग का झंडा लगा लिया जाए, अल्लाह के पाक पैगंबर का यौम विलादत मना लिया जाए, ये नेकी है हजरात। ये नेकी अल्लाह के कुरान का जो नेकी का तसव्वुर है उसके बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, एक वो भी बेनसीब है जो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन अपने माँ बाप की खिदमत बड़ी करता है, कहता है माँ बाप की खिदमत ही असल नेकी है। ये भी इंसान अल्लाह के कुरान के नेकी के तसव्वुर से दूर है। अल्लाह वाले, एक वो है जो कहता है मरीजों के लिए अस्पताल बना लो, मरीज आएगा दवाई लेगा उसे सुकून
करेगा, यही नेकी काफी है। ना ना अल्लाह वालों, आज इंशाल्लाह हमने समझना है नेकी क्या है, नेक कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाम नेकी का है और उसके पीछे कोई और धंधा किया जा रहा है। एक वो बेनसीब है, कहता है सड़कें बना लो, पुल बना लो और स्कूल बना लो, आवाम की खिदमत करते जाओ, यही नेकी काफी है। अल्लाह पाक का कुरान जो हमारे सामने नेकी का तसव्वुर पेश करता है, आज इंशाअल्लाह उसका तज़किरा किया जाएगा। नेकी का पैटर्न है सूरतुल बकरा है, पारा नंबर 2 है, आयत नंबर 177 है। नेकी का जामे तसव्वुर क्या है, आओ जरा रब के कुरान से पूछते हैं, याद आप नेकी क्या है, नेक कौन है। अल्लाह हमें अपनी पाक किताब की सही मानों में समझ अता फरमाए। मेरा ख्याल है कि आयत का नंबर तो आपको याद हो चुका होगा, आयत नंबर 177 है। अल्लाह पाक ने यहाँ सबसे पहले यहूद और नसारा की मजम्मत फरमाई, फरमाया लैसल बिर्र अन तुवल्लु वजूहकुम किबल अल-मशरिक वल-मग़रिब। यहूदी क्या करता है, मगरब की तरफ मुंह करके इबादत करता है। ईसाई क्या करता है, मशरक की तरफ मुंह करके इबादत करता है। और यही समझा कि मशरक में मुंह कर लो, मगरब में मुंह कर लो, बस यही नेकी काफी है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो मशरक है, ये जो मगरब है, ये सारी सम्तें अल्लाह ने बनाई है, ये नेकी नहीं है। आए हम रब के कुरान से सवाल करते हैं, या अल्लाह नेकी क्या है, नेक कौन है। हाँ एक वो है जो कहता है रबीउल अव्वल में झंडा लगा लो, दूसरा कहता है मुहर्रम में झंडा लगा लो, तीसरा कहता है अस्पताल बना लो, चौथा कहता है सड़कें बना लो, पांचवा कहता है माँ बाप की खिदमत कर लो, और छठा बेनसीब है कहता है रिश्ते हलाल कमा लो, बस यही नेकी काफी है, ना नमाज पढ़ता है। और एक वो है जो हरमैन शरीफ में एक साल में 2 मरतबा जाता है और उसके बाद क्या करता है, नमाज छोड़ देता है, रोजा छोड़ देता है। कहता है हरमैन शरीफ की ज्यारत करते रहो, यही नेकी है। आओ आज हम इंशाअल्लाह ऐसे रब के कुरान से लाई वही है जिसमें कोई शक नहीं है। यादा एक सड़कें बनाता है, एक माँ बाप की खिदमत करता है, एक मेडिकल अस्पताल कायम करता है, एक ऐसा है जो अपने हमसाय से अच्छा सलूक करता है। ऐ मेरे अल्लाह हम तेरे कुरान से पूछते हैं नेकी क्या है, नेक कौन सा है। कहीं ऐसा तो नहीं है नेकी के पर्दे में धंधा हो रहा है। आओ जरा अल्लाह पाक का कुरान है वला इन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह है। नेकी तो ये है जो ईमान लाया अपने अल्लाह पर, सबसे पहले नेकी का तसव्वुर क्या है, ईमान होना चाहिए। अगर ईमान नहीं है जनाब के लिए अस्पताल बना लो, गंगाराम अस्पताल बना लो, बड़े बड़े अस्पताल बना लो, रब्बे कायनात की कसम है इस अस्पताल की कोई नेकी नहीं है। हजारों नहीं लाखों मरीज आए फायदा उठा ले रब्बे कायनात के दरबार में, ना ये नेकी है ना ये नेक है, ये जाली तसव्वुर है। सबसे पहला आमना बिल्लाह अपने अल्लाह पे ईमान लाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मेरे भाइयों सुनते जाइए नेकी क्या है, नेक कौन है। मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। हाँ हाँ जरा तवज्जो कीजिए, अपने चेहरे मेरी तरफ कीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर के 2 करीबी साथी हैं, एक का नाम जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरात तवज्जो कीजिए, और दूसरे का नाम सरदार अबू तालिब है। सरदार अबू तालिब अल्लाह के पाक नबी की खिदमत करता है, किस लिए, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है, मेरे भाई की निशानी है, यतीम है,
सरदार अबू तालिब की खिदमत करता है, जनाबे अबू बकर सिद्दीक की खिदमत करते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? जनाबे अबू बकर के पास ईमान है, कलमा है, और सरदार अबू तालिब के पास ना ईमान है ना कलमा है। अल्लाह के नबी कहते रहे, सरदार ऐ मेरे चचा जान कलमा पढ़ लो, मैं रब के हाथ तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा, झगड़ा करूंगा। अब सरदार अबू तालिब मरते हुए क्या कहते हैं? कहने लगे अला मिल्लते अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ता बल्कि अपने बाप दादा के दीन में मरता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी खिदमत है लेकिन ये जहन्नम का ईंधन बनने वाला है। सरदार अबू तालिब के हाँ भी एक नेकी का तसव्वुर है, अपना भतीजा है, भाई का बेटा है, भाई की निशानी है, भाई की याद है, अब्दुल्ला का बेटा है, खिदमत दोनों की बहुत ज्यादा है। अबू बकर सिद्दीक भी खादम है, अबू तालिब भी खादम है, लेकिन अबू तालिब के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम का ईंधन है, जहन्नम की आग का इसे जूता पहनाया जाएगा। और जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के बाप पैगंबर के सहाबा के सरदार हैं। अल्लाह वाले एक वो नेकी का तसव्वुर है जो अबू बकर सिद्दीक का है, वही नेकी है, और दूसरा सरदार अबू तालिब है, ये ऐसी नेकी है, भतीजे की खिदमत है और भाई की निशानी की खिदमत है। अल्लाहु अकबर। और खिदमत का तज़किरा करूं, आप जरा तवज्जो फरमाइए, अपने चेहरे मेरी तरफ कीजिए। मक्का पाक में एक घाटी है जिसका नाम शेबे अबी तालिब है, शेबे अबी तालिब। अल्लाहु अकबर कबीरा, 3 साल तक आपका कुंबा कबीला वहां मशहूर है, कैद है, बंद है, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे भूख से रोते हैं, अब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, चमड़ा लेकर उसे उबाल के पानी में डाल के पानी गर्म करके खाने के लिए छोटे बच्चों को वो चमड़ा दिया जाता है, और पीने के लिए वो चमड़े के अंदर गर्म किया हुआ पानी दिया जाता है। सरदार अबू तालिब की साथ है अल्लाह वाले, लेकर ईमान नहीं कलमा नहीं, अल्लाह ने फिर भी उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया। अल्लाह अकबर। और जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाए, जब कलमा पढ़ा, खिदमत की है, अल्लाह ने अपने सहाबा के पाक पैगंबर के सहाबा का सरदार बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, नेकी तो वो है जिसे कुरान नेकी कहता है, अस्पताल बना लो, सड़कें बना लो, पुल बना लो, स्कूल बना लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, हमसाए से अच्छा सलूक कर लो, रब्बे कायनात की कसम है, नेकी वो है जो ईमान के बाद है। ईमान नहीं है, नमाज नहीं है, माँ बाप की खिदमत करते रहो, अल्लाह के यहाँ जर्रा भर इस आदमी का ना अजर है, ना सवाब है, ना नेकी है, ना ये नेक है। बड़ा किन्नर बिरला मन आमन अबिल्ला, हाँ मुशरिकीन मक्का ने एक नेकी का तसव्वुर बनाया था, कहने लगे जब इहराम बांध लेते हैं, हज का उमरे का लिबास पहन लेते हैं, तो अपने घर के दरवाजे से दाखिल नहीं होना, बल्कि क्या करना है, अपने घरों की दीवारें फलाक के घरों में आओ। रब्बे कायनात ने फरमाया वलैसल बिर्रु बिअन्तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, हाँ ये कोई नेकी नहीं है घरों को फलाक से आते हो, वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, नेक तो वो है जो रब्बे कायनात का तक्वा अपना लेता है। हाँ मेरे भाइयों, नेकी के तसव्वुर में हमने ये समझा स्कूल बना लिया जाए, पुल बना लिया जाए, सड़क बना दी जाए, अस्पताल बना दिया जाए, मरीजों की खैर खाई के लिए माँ बाप के साथ अच्छा सलूक
कायनात की कसम है, जब तक ईमान नहीं ऐसे बेनसीब के पास एक नेकी भी नहीं, ना इसके पास नेकी है ना ये नेक है, ये नेकी का जानी तसव्वुर है। रब कायनात का खुला हुआ कुरान है, अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल बकरा है, आयत नंबर 177 है, रोशन किताब है, वलाकिन्नल बिल्ला मन आमन बिल्ला, सबसे पहले ईमान है, उसके बाद अस्पताल है, स्कूल है, हमसाया है, मरीज है, सड़क है, सारे काम बाद में, सबसे पहले ईमान, मन आमन बिल्ला है, वल यौमिल आखिर, वल मलाइकते, वल किताब, वल नबीयीन, अल्लाह के नबियों पर ईमान है, किताबों पर ईमान है, और सारे ईमान को मुकम्मल करके जो इंसान नेकी करता है, ये नेक है, इसकी नेकी है। अगर ईमान नहीं, 200 अस्पताल बना लो, रब काबा की कसम है, एक नेकी भी नहीं है। सरदार अबू तालिब है, बड़ी खिदमत करता है इमाम अल-अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ने जहन्नम का इत्र बना दिया। मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल किताबे वल नबीयीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील वस्साइलीन वफिर रिकाब, अल्लाह वालों माल से मोहब्बत होती है, ही माल से प्यार होता है, लेकिन जो अल्लाह के लिए खर्च करता है, जरा सुनिए, मन हब्बा लिल्लाह वहबगज़ा लिल्लाह वहाता लिल्लाह वहमना लिल्लाह फकद इस्तकमल ईमान, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए नफरत करता है, अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह के लिए मना करता है, फकद इस्तकमल ईमान, इस बंदे ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया है। मेरे भाइयों, नेकी क्या है, नेक कौन है, जरा आंखें खोल के सुनते जाइए, ये एक लतीफा होगा। अल्लाह अकबर, कहते हैं किसी गांव में हाथी आ गया और लोगों में चर्चा हो गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया, अपना बीने वो भी जमा हो गए, कहने लगे आओ हम भी हाथी को टटोलते हैं कैसा होता है। एक ने हाथी के पेट पे हाथ रखा, कहने लगा हाथी ढोल जैसा होता है, दूसरे ने हाथी के पांव पे और उसकी टांग पे हाथ लगाया, कहने लगा हाथी सुतून जैसा होता है, और एक ने हाथी के कान पे हाथ लगाया, कहता है हाथी छाज जैसा होता है, जैसे छाज होता है ना, हाथी उस तरह का होता है। अल्लाह वालो, हमने नेकी का तसव्वुर बना लिया, किसी ने कहा हमसाए से अच्छा बर्ताव करो, किसी ने कहा माँ बाप से अच्छा सलूक करो, किसी ने कहा सड़के बना लो, एक ने कहा अस्पताल बना लो, हाँ हाँ ये सारे नेकी के काम है, रब काला की कसम है, ये तसव्वुर गलत है। सबसे पहला जो तसव्वुर है वो ईमान है, मन आमन बिल्ला, कहा लिखा है रब के कुरान में सूरतुल बकरा में आयत नंबर 177 में, नेकी क्या है, नेक कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेकी के पर्दे में कोई और धंधा हो रहा है। हाँ मेरे भाइयों, जरा मोहब्बत से सुनिए, तीन अल्लाह के नबी के सहाबा, तीन सहाबा, सही बुखारी किताबुल निकाह, किताबुल निकाह में हदीस नंबर 1, सबसे पहली हदीस मुबारक है, तीन सहाबा आए, अल्लाह के नबी की इबादत का सवाल किया, उनको बताया गया रात को इबादत भी करते हैं, आप सो भी जाते हैं, आप नफली रोजा भी रखते हैं, छोड़ भी देते हैं, आप निकाह भी करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के पैगंबर के तीन सहाबा, उन्होंने नेकी का तसव्वुर बना लिया, कहने लगे तब वो फिर अल्लाह मा तकद्दम मिन ज़म्बिहि व मा तअख्खरा, अल्लाह के नबी के सारे गुनाह माफ हो चुके, आप तो मासूम है, पाकीजा है, हम आपसे ज्यादा इबादत करेंगे, नेकी का तसव्वुर बना लिया। एक कहता है मैं सारी रात इबादत करूंगा, दूसरा कहता है मैं हमेशा नफली रोजे रखूंगा, तीसरा कहता है मैं
बना लिया। अल्लाह के बाप पैगंबर को खबर हुई, फरमाया अहतुमुल लजीना कुलतुम कजा व कजा, तुमने ये बातें की है? कहा हाँ हमने ये बातें की है। फरमाया मैं रात को इबादत भी करता हूँ, सो भी जाता हूँ, नफली रोजा भी रखता हूँ, छोड़ भी देता हूँ और निगाह भी करता हूँ। फमन रागेगा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से इराज करता है, मुंह मोड़ता है, रूगरदानी करता है, फलैसा मिन्नी, वो मेरी उम्मत से खारिज हो गया। इन्होंने भी नेकी का तसव्वुर बनाया था। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ये नेकी नहीं है, ये करने वाला नेक नहीं है। हालांकि एक कहता है सारी रात इबादत करूंगा, दूसरा कहता है हमेशा रोजा रखूंगा, तीसरा कहता है निकाह नहीं करूंगा। इमाम अलंबिया हबीब खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना, ये नेकी का तसव्वुर, ये ज़हन, ये इरादा, ये ख्याल गलत है। नेकी वो है जिसे रखता हूं कुरान नेकी कहेगा। हाँ मेरे भाइयों, जरा अपने चेहरे मेरी तरफ कीजिए, मैं दुआ करता हूँ भैया सल्लाह हो वजूहाकुम, अल्लाह दुनिया में और आखिरत में आपके चेहरों को तरोताजा रखे, खुश रखे, मुनव्वर रखे। आओ जरा मैं हदीस का सच्चा और सच्चा मोती आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाया इन्ना अव्वला सलासतिन तुसारु बिहिमुन नार यौमल क़ियामा, तीन ऐसे बेनसीब हैं क़यामत के दिन सबसे पहले उल्टा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी वो तीन कौन है? फरमाया एक वो है जो जिहाद में लड़ता रहा, लड़ता रहा, जिहाद करता रहा, हत्ता के कतल हो गया मैदान माशर में। अल्लाह पूछते हैं तुझे जवानी दी, सेहत दी, तूने क्या किया? या अल्लाह कातल तौफीका, तेरे रास्ते में लड़ता रहा, हत्ता के मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह क्या फरमाएंगे? सुन लो जरा, इधर देखिए, अल्लाह फरमाएंगे कैसा बताओ, झूठ बोलता है, बकवास करता है, इसलिए डरता था ले युकाला अन्नका जरीम, ताकि तुझे कहा जाए बड़ा बहादुर है, बड़ा शुजा है, बड़ा दलेर है, बड़ा गदार है। अल्लाह कहे कि मेरे फरिश्तों इसे पकड़ के उल्टा करके सबसे पहले जहन्नम में फेंक दे। दूसरा आता है बड़ा सखी है, बड़ी सखावत करता है, क़यामत का दिन है, रब्बे कायनात सवाल करते हैं और तुझे मार दिया था, याद ना खर्च करता रहा, जहां भी वक्त आया खर्च करता रहा, कुर्बान करता रहा। अल्लाह क्या फरमाएंगे? सुन लो मेरे भाइयों, दोनों आंखें खोल ले, सुन ले, रब्बे कायनात क्या कहेंगे? कज़ाब का, झूठ बोलता है, झूठ कहता है, इसलिए खर्च करता था ले युकाल फुलान सफीयुन, बड़ा सही बंदा है, दुनिया में चर्चा चाहता था, अल्लाह ने तेरा चर्चा कर दिया। अल्लाह फरमाए के मेरे फरिश्तों इसे पकड़ लो, उल्टा करके जहन्नम के अंदर फेंक, इसलिए खर्च करता था लोग कहें बड़ा सही है। और हदीस क्या कहती है? दाएं हाथ में खर्च करो, बाएं को पता ना चले, दाएं को कदा बता और झूठ बकता है। तीसरा वो है आलमे दीन है, कारी कुरान है, सारी उम्र कुरान हदीस पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, रब्बे कायनात कयामत के दिन सवाल कर देंगे, तुझे अपने दीन का इल्म दिया, क्या दिया? या अल्लाह तेरे दीन का चर्चा करता रहा, तबलीग करता रहा, दावत देता रहा, कुरान पढ़ाता रहा। अल्लाह फरमाएंगे कज़बता कज़बता, झूठ बकता है, झूठ बकवास करता है, इसलिए दीन पढ़ता पढ़ाता था ले युकाला कारियुन, लोग कहें बड़े फलां साहिब, बड़े आलमे दीन है, बड़े अच्छे कारी है, बड़े माहिर है, बड़ा चर्चा है, बड़ी शोहरत है, कज़बता दुनिया में चर्चा चाहता था, नजराने महाने सलाने
दुनिया में चाहता था, दुनिया में शोहरत चाहता था, तुझे मिल चुकी है, कसर का जुबान बंद कर ले। ऐ मेरे फरिश्तों, इस काई को पकड़ लो, उल्टा करके जहन्नम के अंदर फेंको। हाँ हाँ, ये नेकी का तसव्वुर नहीं है जो हमने बनाया। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर, नेकी का पैकेज ये है जो आयत नंबर 177 में है। अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह के फरिश्तों पे, अल्लाह की किताबों पे, आखिरत पे, पहाड़ माला अला हुब्बे ही, माल से बड़ी मोहब्बत है। और रब का कुरान कहता है माल से मोहब्बत है फिर भी खर्च करता है, और कहीं फरमाया वादल माला अला हुब्बे ही, माल से मोहब्बत है, प्यार है, फिर भी खर्च करता है। जो खर्च करता है अल्लाह उसे बरकतों से माला माल फरमा देता है। सभी कुर्बान वाली यतामा, एक सहाबी आता है, सवाल करता है अल्लाह के नबी, एक मिस्कीन है वो फकीर है, एक मेरा रिश्तेदार है वो भी फकीर है, मेरे सदके का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया जो सदका अपने रिश्तेदार पे करता है, सदका तो अलासी रहे में सदका तो वसीला तुम, जो अपने करीबी अजीज पे खर्च करता है अल्लाह उसे दोरा अजर अता फरमाता है। हम क्या करते हैं, हमारा भाई फौत हो गया, उसकी बीवी बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, हम कहते हैं पता है ना वो मेरा की शुरू करता सी मरद ने भुखाई। भाई के बेटे बेटियां, भाई दुनिया से जा चुका है और सारे भाई जो जिंदा है क्या करता है, पता है मेरे साथ क्या मरने दो। सवालियों को भी देता है, गुलाम आजाद करने पे देता है। मेरे भाइयों याद रखो, सवाल करना शरीयत ने मना किया है। हदीस में आता है जो बगैर जरूरत के, बगैर शरीर जरूरत के सवाल करता है, याति यौमल कयामत वलैसा ला वजही मुद्रत लहम, कयामत के दिन आएगा इसके चेहरे पे चमड़ा नहीं होगा, हड्डियां हड्डियां होगी। लेकिन हमें क्या कहा, बहम्मद शाहिदा फला तरहर, सवाली आ गया कैसा भी है उसे झिड़कना नहीं है, जो तौफीक है उसकी खिदमत कर दो, उससे सख्त बात नहीं करनी। बहम्मद शाहिदा पहले सवाली को कहा सवाल न कर, लेकिन अगर वो कर गुजरता है तो रब का कुरान कहता है फला तरहर, उससे गुस्से ना हो, बुरी बात ना कहो, आसानी वाला माहौल ना करो। अल्लाह अकबर, भाइयों के अंदर हम जो कीजिए, वस्साबरीना फिल बासाय वसराय वही नलबस, जो सबर करते हैं तकलीफों में, बीमारियों में और जंग में। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जिहाद के अंदर है, मार का गर्व है, एक शहर ये असूल है जिनका बाजू कट जाता है, बाजू कट गया अब थोड़ा सा जिल्द और चमड़ा साथ लगा हुआ है, एक हाथ से तलवार चलाते हैं दुश्मन से लड़ते हैं, दूसरा बाजू कट चुका है, ये आगे आता है रुकावट बनता है, अपना बाजू है जिस्म के साथ लटका हुआ है, एक हाथ से तलवार चला रहे हैं, दूसरा बाजू आगे रुकावट बनता है। अल्लाह के नबी का सहाबी है, अल्लाह का अर्श रब्बे कायनात अपने अर्श पे मुस्तवी है, अपने इस बंदे को देख रहा है, ये क्या करते हैं, अपना बाजू पकड़ा, अपने पांव के नीचे रखा और जोर से खींचा और झटका दिया और बाजू को अलग करके फेंक दिया, ये रुकावट बनता है मेरे जिहाद में, मेरे किताब में, ये नेकी है। अल्लाह हमें असली नेकी करने की तौफीक अता फरमा। झटका दिया
बाजू उतारा, फेंक दिया, रुकावट क्यों बनता है? गज़वाए तबूक का आपने नाम तो सुना होगा, गज़वाए तबूक अल्लाह के नबी के सहाबा, सुन लो भाइयों, सुनो जरा, खाने के लिए क्या मिलता है? तीन सहाबा को 24 घंटे के बाद एक खजूर मिलती है। तीन आदमी एक खजूर 24 घंटे के बाद, उसको एक मुंह में डालता है, चूसता है जैसे टाफी को चूसा जाता है, फिर दूसरा उसी खजूर को लेता है अपने मुंह में डालता है, फिर तीसरा उसी खजूर को लेता है। फसाबिना फिल बासाई बसराई वही नलबास, सबर करने वाले तकलीफों में, तंगियों में, बीमारियों में, और बीमारी में तो आ करता है रब्बे अन्नी मस्सनी सुरो वहाता रहमीन वाकाम सला वहाता जका, नमाज कायम करता है, जकात देता है। अल्लाह वाले सुन ले, अगर नमाज नहीं है, अस्पताल बना लो, सड़कें बना लो, पुल बना लो, स्कूल बना लो, उम्र कर लो, अल्लाह की कसम जो नमाज नहीं 5 वक्त की अदा करता, अल्लाह के हाँ मुस्लिम नहीं है। हाँ हाँ, हमने क्या नेकी का तसव्वुर बनाया है? इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहि अल-अब्दु यौमल क़ियामा मिन अमलिही अस-सलात अस-सलात अस-सलात। माँ बाप की खिदमत करते जाओ, हमसायों की खिदमत करते जाओ, बेवा और मस्कीनों की खिदमत करते जाओ, नमाज नहीं है रब्बे काबा की कसम है, ना नेकी है, ना ये नेक है। हाँ, नेकी के पर्दे में धंधा कर रहा है, धंधा कर रहा है। और मैं अर्ज करूं, अल्लाह वाले जो बड़े से बड़ा बुरा होता है, जो डाकू और चोर होते हैं, और जिनका पेशा जिसम फरोशी है, वो भी कोई ना कोई नेकी का काम कर देते हैं। कभी डाकू चोर भी कुछ पैसे अल्लाह के घर मस्जिद में डाल देता है। कुछ चोर ऐसे होते हैं जो गुलामा की मदद भी कर देते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह की कसम, ये नेकी नहीं, ये नेक नहीं। नेकी के तसव्वुर में सबसे पहले ईमान है, फिर नमाज है, वाकाम सला वहात सका वल मुफून बिअहदिहिम इज़ा अहलू वस्साबिरीना फिल बासाए वस्सराए। ये देखिए, अल्लाह की खुली हुई किताब है, आयत नंबर 177 है। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, अपने घरों में जाकर रब का कुरान खोलिए, इस आयत की तिलावत कीजिए। नेकी क्या है, नेक कौन है? उलाइक अल्लज़ीना सदकू वउलाइका हुमुल मुत्तकून। अल्लाह का कुरान कहता है ये नेक है, ये मुत्तकी है, ये सच्चे है। अगर नमाज नहीं पढ़ता, लाख नेकियां करता जाए, अपने मुंहियां बिच्छू बनता रहे, रब का कुरान उसे ना नेक कहता है, ना उसकी नेकी अल्लाह के हाँ पसंदीदा है। अल्लाह के कुरान ने ताकीद के साथ नफी कर दी है, हत्ता के तुम खर्च करो उस चीज से जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, प्यारी है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो भाइयों, ये नेकी है, ये नेक है, इसके अलावा धंधा है, धंधा है, नाम नेकी का है। कुछ ऐसे भी हैं मुझ जैसे गुनाहगार फकीर, जो सर पे रुमाल ले लिया, पगड़ी बांध ली और समझा कि हम नेक बन गए। अल्लाह की कसम, नहीं, जब तक नमाज नहीं, पगड़ी वाला भी नेक नहीं, टोपी वाला भी नेक नहीं, उसकी नेकी कोई नहीं। पगड़ी रुमाल से कोई नेक नहीं बन जाता, नेकी उसकी है जिसे कुरान कहता है, जिसे अल्लाह कहता है, रब रहमान कहता है, रब्बे निशान कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे नेकी कहते हैं, वो नेकी है। अल्लाह
अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमा ले। आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم। अल्लाह ताला से बार बार ये दुआ करते रहे वाईना मनासिकना वतुब अलैना, ये वजीफा है। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की ज़ियारतें बार बार नसीब फरमाते हैं। तो जो मेरे भाई हज पर जा रहे हैं उनके लिए ऐलान है, तरबीती वर्कशॉप है। इतवार के दिन, अभी जो इतवार आ रहे हैं, मस्जिद मुकर्रम मालम चौक में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हाजी लोगों के लिए तरबियत है और खवातीन के लिए भी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा का इंतजाम है। और जो लोग सादे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अल्लाह की तौफीक से उनकी आसानी के लिए ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ज्यादा किताबें नहीं पढ़े हुए, उनकी आसानी के लिए हमने एक सफ़े पर हज का तरीका लिखा है, एक सफ़े पर, और दूसरे पर उम्रा का तरीका लिखा है। एक सफ़े पर उम्रा के 6 रुकन हैं, तरतीब के साथ दर्ज किए हैं। और हज 6 दिन में अदा होता है, वो दिनों के हिसाब से तरतीब दिया है। अल्लाह के बंदे जो जाना चाहते हैं वो हमसे वो पंफलेट हासिल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 10,000, 12,000 हजारों की तादाद में तकसीम होता है। अल्लाह के बंदे हासिल करते हैं, पढ़ते हैं और दुआएं देते हैं। और ये नमाजियों की दुआएं और हाजी लोगों की दुआएं हमारे लिए शर्फ का बायस है। बंदा है हाजा शर्फ नाम, बहुत बड़ा शर्फ है। और मेरे भाइयों, लोग कहते हैं दुआ करो दुआ करो, भाइयों दुआएं करवाया ना करो, दुआएं दिया कर, दुआ लेने वाला काम किया कर। सुबह नहीं कह दो दुआ करो, उसका क्या फायदा होगा? हाँ, दुआओं वाला काम करें। हम अल्लाह की तौफीक से अपने हाजी भाइयों के लिए आसानी के लिए एक सफा लेकर हजारों की तादाद में तकसीम कर रहे हैं और हाजी लोगों की दुआएं देते हैं। अल्लाह उसमें बड़ी बरकत डालता है। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह।